कोट 40 से अब कोट को समझना हुआ आसान। हेलो दोस्तों, लीड कोट की इस सीरीज के अंदर आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है सिमेट्रिक ट्री। सो बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया रहा होगा कि एक ट्री हमें मिलेगा और उस ट्री को हमें फाइंड आउट करना है कि क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं। सो बेसिकली सिमेट्रिक किस तरीके से कि उस ट्री को अगर हम बीचों बीच अगर कोई मिरर रखें तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में एंड राइट हैंड साइड में दोनों सेम दिखाई दे तो वो एक सिमेट्रिक ट्री होगी। तो यहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन को देख सकते हैं एंड एग्जांपल भी यहाँ पे देख सकते हैं कि 1, 2, 3 एंड 4 राइट, एंड 1 के राइट हैंड साइड में 2, 4 एंड 3। तो अगर यहाँ पे देखें हम कि यहाँ 2 है तो इधर भी 2 है, 3, 4 तो इधर भी 4, 3 है राइट, 2 के लेफ्ट हैंड साइड में 3 है तो राइट हैंड साइड वाले 2 के राइट हैंड साइड में 3 है। तो यानी कि इसके लेफ्ट में जो होगा उसके अगर राइट हैंड साइड वाले के राइट में होगा तो वो एग्जैक्ट मिरर की तरह दिखाई देगा, और इधर आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड में तो 2 के राइट हैंड साइड में 4 है और राइट हैंड साइड वाले 2 के लेफ्ट हैंड साइड में 4 है। तो बेसिकली ये एक मिरर की तरह वर्क कर रहा है एंड सिमेट्रिक हमें दिखाई दे रहा है। तो ये हमें फाइंड आउट करना है कि क्या ये ट्री सिमेट्रिक है या नहीं। अगर ट्री सिमेट्रिक है तो हमें ट्रू रिटर्न करना है और नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करना है, बस इतना सा हमें काम करना है। सो इस तरीके से हमें एक नोड मिलेगा एंड हमें फाइंड आउट करना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। सो किस तरीके से हम देखेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर हमें कोई भी नोड अगर हमें मिलता है तो उस रूट नोड के लेफ्ट हैंड साइड वाले और राइट हैंड साइड वाले को हम चेक करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक मेथड है जिसका रिटर्न टाइप बुलियन है एंड इस सिमेट्रिक मेथड और उसके अंदर जो इनपुट पैरामीटर है वो रूट हमें मिल रहा है। सो इसको मैं किस तरीके से सॉल्व करता हूँ, जो जनरली एंड ईजी जो वे होता है वो ये है कि आप रिकर्शन के थ्रू इसको सॉल्व करो राइट। रिकर्शन के थ्रू किस तरीके से, हमने पिछले क्वेश्चन भी रिकर्शन के थ्रू ही सॉल्व किए हैं तो इसको भी हम रिकर्शन के थ्रू सॉल्व करेंगे तो बहुत ही इजीली आपको समझ में आ जाएगा राइट। नाउ अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इस नोड को इस रूट को मैं क्या करूँगा, एक लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में मैं डिवाइड करूँगा। ठीक है, तो इसको डिवाइड करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक में इंटरनल यानी कि मेथड ले लेता हूँ प्राइवेट एंड उसका रिटर्न टाइप भी बोल ले लेता हूँ एंड चेक सेम ट्री। ठीक है, तो ये मैं चेक करूँगा यहाँ पे एंड इसके अंदर मैं क्या पास करूँगा, मैं दो चीज़ें पास करूँगा यानी कि जो मुझे नोड मिलेगा जो ट्री मुझे मिलेगा उसके लेफ्ट हैंड साइड वाले और राइट हैंड साइड वाले को मैं दोनों को डिवाइड करके पास करूंगा। तो उन दोनों का टाइप क्या होगा, ट्री नोड होगा और पहले वाले को मैं पी ले लेता हूँ और दूसरे वाले को क्यू ले लेता हूँ। ठीक है, और इसको मैं कहाँ कॉल करा दूंगा, यहाँ पे मैं कॉल करा दूंगा एंड जो इसका आउटपुट होगा फाइनल इसी को मैं यहाँ पे क्या करूँगा पास कर दूंगा, पहला पैरामीटर लेफ्ट दूसरा पैरामीटर राइट। परफेक्ट, नाउ अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, रिकर्शन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो रिकर्शन के फर्स्ट प्रॉपर्टी हम इंप्लीमेंट करते हैं और उसका सिंपली हम रिटर्न करते हैं यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे कि एक कंडीशन में यहाँ पे लगाऊंगा और चेक करूँगा कि पी इक्वल टू नल या फिर क्यू इक्वल टू नल राइट। तो इसके बेसिस पे अगर दोनों नल है ठीक है तो मेरे को रिटर्न करना है ट्रू और इनमें से अगर एक नल है तो मेरे को रिटर्न करना है फॉल्स राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रिटर्न कर देता हूँ पी डबल इक्वल टू क्यू, तो इसका जो आउटपुट होगा वो रिटर्न हो जाएगा बेस्ड ऑन पी की वैल्यू एंड क्यू की वैल्यू।
ठीक है। अब मान लो दोनों ही नल नहीं है, तो फिर मैं क्या करूंगा, तो फिर मैं यहाँ चेक करूंगा कि पी डॉट वैल्यू इक्वल टू क्यू डॉट वैल्यू, तो यही चीज मैं यहां पे क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। यही चीज मैं यहां पे क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा। अगर इनकी वैल्यू सेम है तो रिटर्न, अदरवाइज अगर सेम है तो ट्रू हो जाएगा और अदरवाइज फॉल्स, ठीक है। अब मान लो पी के उसके चाइल्ड नोड भी है और क्यू के भी चाइल्ड नोड है, ठीक है, तब क्या होगा, यानी कि यहाँ पे टू है और टू है तो यहां तक तो ये केस चल जाएगा, बट अगर ऐसा ट्री आ गया जिसके अंदर टू के अंडर में भी थ्री एंड फोर है, यहाँ पे टू के अंडर में भी फोर एंड थ्री, तो फिर क्या करेंगे हम, उसके लिए हम क्या करते हैं कि इसी को हम वापस रिकर्शन यहाँ पे कॉल करेंगे। और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक बार पी डॉट लेफ्ट वाला हम भेजेंगे, पी यानी कि ये हमारा टू जो है ये पी है और ये हमारा क्यू है, तो पी लेफ्ट एंड क्यू राइट, तो क्यू राइट, ये चीज हम यहाँ पे चेक करा देंगे। एंड एक और चीज हम चेक कराएंगे इनको, ये फोर के लिए, यानी कि पी राइट एंड क्यू लेफ्ट, यानी कि पी राइट एंड क्यू लेफ्ट, राइट। तो इनकी जो भी वैल्यू आएगी उसके बेसिस पे ये फाइनल इसका आउटपुट होगा एंड ये रिटर्न कर देगा चेक सेम ट्री, और यहाँ पे ये चेक सेम ट्री इसमें यहाँ से कॉल हो रहा और ये रिटर्न कर देगा। इसको मैंने किया रन एंड जो भी बेसिक जो टेस्ट केस है वो पास हो चुका है। अब मैं जैसे सबमिट करूँगा तो जितने भी टेस्ट केस है वो सारे के सारे पास हो जाने चाहिए, परफेक्ट, ये एक्सेप्टेड हो चुका है। तो ये सिर्फ और सिर्फ थ्री लाइन का कोड और अपना जो जो सॉल्यूशन है निकल के आ जाता है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, वेरी इजी। एंड अगर आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि इस वजह से भी हम कर सकते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट करके बताओ मुझे। एंड मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।